सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल्लो। एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। ब्रैम्पटन विच हिंदू मंदिर दे बाहर हुई झड़प दा मामला। कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घटना दी कीती निखेधी। घटना दी जांच दी आखी गल। पंजाब विच जिमनी चोणां दी तरीक बदली गई। हुण 13 दी थां 20 नवंबर नूं पैणगीआं वोटां। भारतीय चोण कमिशन ने कीता ऐलान। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बरनाला विच आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार दे हक विच कढ़िया रोड शो। पंजाब सरकार दे काम गिणवाए। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कैनेडा दे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ब्रैम्पटन दे हिंदू सभा मंदिर दे बाहर हुई झड़प दी निखेधी कीती। धार्मिक आजादी दी महत्ता उत्ते जोर दिंदिआं ट्रूडो ने कहा कि हरेक कैनेडियन नूं सुरक्षित तरीके दे नाल अपने धर्म का पालन करन दा अधिकार है। एक्स उत्ते एक पोस्ट शेयर करदिआं ट्रूडो ने लिखिआ कि ब्रैम्पटन विच हिंदू सभा मंदिर विच हुई हिंसा अस्वीकारनयोग है। हर कैनेडियन नूं आजादी अते सुरक्षित ढंग दे नाल अपने धर्म का पालन करन दा अधिकार है। कम्यूनिटी दी सुरक्षा अते इस घटना दी जांच लई तेजी दे नाल काम कीता जावेगा। बीते साल कनेडा विच होए हरदीप सिंह निज्जर दे कतल तो बाद भारत अते कनेडा दे रिश्तिआं विचकार कड़वाहट लगातार वधदी जा रही है। कनेडा सरकार वल्लों लगातार निज्जर दे कतल पिछे भारत सरकार ते एजेंसियां दा हत्थ होण दा दावा कीता गया। उत्थे ही भारत सरकार शुरू तों ही नाल जामां नूं नकारदी रही है। इस दौरान कनेडा दे ब्रैम्पटन स्थित हिंदू सभा मंदिर दे बाहर खालिस्तानी समर्थकां अते भारत समर्थकों विचाले हिंसक झड़प होने का मामला सामने आया। इस दीआं वीडियो सोशल मीडिया उत्ते तेजी नाल वायरल हो रही ने। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर गुरचरण सिंह गरेवाल ने कनेडा के अंदर मंदिर के बाहर हुई झड़प के मामले पर बयान दिता। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया वालों मंदिर के बाहर हुई झड़प को लेकर फैलाए जा रहे प्रोपेगंडे तो सावधान रहा जाए। उन्हें कहा कि सिख कदे भी किसी के धार्मिक स्थान पर हमले नहीं करते। उन्हें कहा कि सिख जबर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, करते रहेंगे। उन्हें भी कहा कि मीडिया इस मंदिर से हमला करार ना दे। अज मीडिया के अंदर बहुत बड़ी खबर चल रही है तो बड़ी उच्ची सुर दे विच चल रही है कि कनेडा के अंदर किसी भी हिंदुओं के मंदिर के उत्ते हमला हो गया तो उसका संकेत दिता जा रहा कि सिखा वालों उस पर किया गया। मैं हाथ जोड़ के बेनती करनी चाहना समुचे मीडिया नूं ते देश दे मीडिया नूं कि ये जिहड़ी इस तरह की जिहड़ी असी भाषा वरत रहे हैं तो मैनूं लगता है ये भाषा जिहड़ी है ना तो साढ़े देश के अंदर आपसी हालातों के वास्ते फायदेमंद है तो ना ही विदेशों में बसदे साढ़े समुचे भारतीयों के लिए फायदेमंद है। इस मामले नूं कल्ला सिखां नूं दोषी ठहराउण का मसला ना बनाया जाए। एक मैं बेनती करनी चाहुंदा गल शुरू करन तो पहला कि जिहड़ी जिहड़ा नैरेटिव बनाया जा रहा उस दे विच उसका जिहड़ा स्पष्ट पक्ष इत्थों शुरू करना चाहिए कि इस देश के अंदर सिखां दा किड्डा वड्डा रोल है। तो आप लंबी गल ना करिए, गुरु तेग बहादुर जी महाराज जिन्हां दा 400 साल जिहड़ा कि इस देश ने मौजूदा सरकार ने लाल किले ते मनाया, जिन्हां ने जुल्म ते जबर के खिलाफ मानवता के भले तो मनुखी अधिकारों के मद्देनज़र गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने हिंदू धर्म को बचाने के वास्ते सीसगंज साहब विखे अपना जिहड़ा सीस कुरबान किया। उस तो बाद बड़िया उदाहरण ने तो मैं महाराजा रणजीत सिंह दे राज की गल करदा जिन्हां ने गुरद्वारा साहिबान दे लई जगीरां लाईयां उसारियां कीतियां। उत्थे देश दे बड़े नामी जिहड़े मंदिर सी उन्हां वास्ते भी जिहड़े कहिंदे हुंदे आ उन्होंने भेटावां दित्तियां। इह देश दे अंदर जिहड़ा साडा इतिहास है वह इस गल की गवाही भरदा। सो इस करके जिहड़ी तस्वीर अज कनेडा विचों सामने आ रही है इस तरह की तस्वीर जिहड़ी आ उह कई बार दिखाई दित्ती आ कनेडा दे अंदर, भावें कि जिहड़े अज संबंध ने काफ़ी वड्डी पद्धर ते खटास विच ने ते विगड़ चुके ने, जिन्हां दे संबंधां नूं सुधारन दे लई असीं देश लई ते कनेडा दी सरकार लई अपील भी करदे हां कि इस नूं सुधारना बड़ा जरूरी आ ते सुधारना चाहीदा। मैं ये गल करदा सीगा कि यह तस्वीरां जिहड़ियां अज देखण विच आ रहियां ने, ये तस्वीरां पिछले कुछ दिनां च किसे गुरद्वारे दे बाहर सी
ਜਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 84 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ, 38 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਵ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਵ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਹਵਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਵਾ, ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕ 13 ਨਵੰਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ 15 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਕੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਗਿਣਵਾਏ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ 2014 ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, 2017 ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, 2019 ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, 2022 ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। 14 ਤੋਂ 24 ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲੇ, ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਇਨ ਹੀ ਬਾਲ ਲਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਲਾਊ ਕਾਫਲੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਕਮਾਇਨ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਾਇਨ ਲਾਊ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਦੂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਭਰਤੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਤੀ, ਯਾਰ ਇਦੂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਹੋਰ ਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਓਗੇ, ਉਈ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਮੋਦੀ ਮੋਲ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ 200 ਮਿਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾੜਾ? ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿਣ, ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ 3, ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ 6, ਮੋਦੀ 7, ਤਾਂ 28-29 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਜੀ? ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਭਾਈ। ਆ ਫੇਰ ਫਿਰਦਾ ਹੁਣ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਹਾਰੂਗਾ ਬੰਦਾ ਇਹ? 17 'ਚ ਇਹਨੇ ਹਰਾਇਆ, 19 'ਚ ਮੈਂ ਹਰਾਇਆ, 22 'ਚ ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਹਰਾਇਆ, ਫੇਰ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਹੋਰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਹਰਾਊ, ਹਰਿੰਦਰ ਹਰਾਊਗਾ।
दस जवाका तो हारी जाता क्योंकि यार की यार थोड़ा जहा बंदा ऊ के आना बरनाले ऊ भी तो चंडीगढ़ ही रहना वोटा वेले कागज भरना आंदा फिर चल ओनू ए बरनाले आले कमले ही ने वही पाते ने पहला सी भाई जमाना एक लानेदार दे कहते भी पै जांदियां सी घर दियां हुण नी हुण तां अगला कहंदा भाई बापू तू आपदा देख साडा तां देख लिया सी तां चक लिया काम व्हाट्सएप ते पढ़ लिया सी तां सारा कुछ 25 करोड़ रुपया कले तां यार थोड़े पैसे ने थोनू देने ने मैं किहड़ा घरे छापदा पहला आले ए भी नहीं दिंदे सी आपदे कले आपदे आपदे आले पासे नाल लै जाओगे नाल लै जाओगे लै गए और देख लो जेडे कहें सी राज करांगे 25 साल चार बंदे नहीं थे आए लड़न नू इलेक्शन वास्ते चार बंदे नहीं थे आए अकाली दल दे खड़े होंगे बजुर्ग भी ने जेडे अकाली दल सी मैं नहीं कहंदा कोई पार्टी माड़ी हुंदी है पर हुण करिए की भी जदों हुण उन्होंने बेड़ा ही बहाता हुण जदों की करिए ओ डुबदी बेड़ी दा हुण की करिए मलाई जी दा हुण घरों नहीं बाहर निकल सकते क्योंकि ओ हैगा ना धोखे किते ना परमात्मा नाल धोखे किते रब नूं टप समझदे सी ओ बेअदबियां कराईयां हजे तक मैं उन्हां केसां नूं ठीक करी जांदा ऐसियां गल्लां लिख गए आपस च मैं जदों केस मैं वादा कीता होया है कि मैं अंदर देने आ ओ जिहड़े बेअदबी बरगाड़ी वाली जां जिहड़ी कोटकपूरे वाली होई है मैं अंदर देने पर जे मैं कच्चे पैरी कर दूंगा बाहर आ जाणगे कागज पत्र ही लिख गए 2015 की गल है सरकार इन्हों की सी 17 च फिर इन्हों की हुई सी कैप्टन इन्हों की सी एहा जा कुछ लिख गए मैं वकीलों नूं बड़े बड़े महंगे वकीलों नूं बुला के सलाहां लै रहा भी दसो यार ए होया तां गलत है पर ए ऐ थोड़ी हो सकदा भी इन्हां चों किसे ने कीता ही नहीं भी ये बच जाणगे ऐ किवें बच जाणगे जी साडे पंजाब दे विच असी बापू मानदे हां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं अपना प्यो मानदे हां ते साडे घरें साडा बापू की इज्जत रुल जे तो फिर बाहर की उम्मीद करांगे आपां मिलूगी सजा मिलूगी मैं तो यकीन रखियो लेट हो सकता है पर कागजी काम है शंभू बॉर्डर खोलन नूं लै के सुप्रीम कोर्ट वालों बनाई गई कमेटी दे नाल किसान जथेबंदियों दे आगुआं दी अज चंडीगढ़ दे विच बैठक हुई है मीटिंग दी प्रधानगी सेवा मुक्त जस्टिस नवाब सिंह ने कीती किसान अंदोलन दे प्रमुख चेहरे किसान आगू सरवण सिंह पंधेर अते जगदीत सिंह डलेवाल इस मीटिंग विच नहीं पहुंचे इन आगुआं ने पहला ही मीटिंग विच आउण तों इनकार कर दिता सी दस्सिया जा रहा है कि डलेवाल की सेहत खराब होने के कारण उन्होंने मैंबरां ने मीटिंग विच शिरकत की है किसानों ने सुप्रीम कोर्ट वालों बनाई गई कमेटी अगे अपनियां 13 मंगां पेश कीतियां किसानों ने स्पष्ट किया कि जदों तक उन्हां दियां मंगां पूरियां नहीं होंदियां उदों तक उन्हां दा संघर्ष जारी रहेगा कुल मिला के किसानों ते सुप्रीम कोर्ट वालों बनाई गई कमेटी विचाले हुई अज दी गलबात बेनतीजा रही किसानों का कहना है कि कमेटी ने साडी गल सुनी है ते उम्मीद है कि कोई हल घट लै जाएगा SKM की जल्द ही मीटिंग बुला के अगली रणनीति तय की जाएगी किसान आगुआ ने कहा कि संसद के सरद रुत के इजलास के पहले दिन तो किसान आगू जगजीत सिंह डलेवाल मरण वर्त से बैठने किसानों ने कहा कि हरियाणा के रस्ते वो दिल्ली जाना चाहते हैं तो केंद्र सरकार तो अपनी मंगा पूरी करवाइया चाहते हैं अज जी मीटिंग हैगी सू तिया सदा से इस मीटिंग वालों जो मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने मीटिंग अपने कमेटी बनाई सी उस कमेटी नाल 3 सद्यां तो बाद असी पहुंचे हाँ देखो हर गल जिहड़ी भी जदों भी निबड़नी आ टेबल टॉक ते निबड़नी आ असी घट्टो घट 13 फरवरी दे शंभू मोर्चा खनौरी बार्डर और रतनपुरा राजस्थान बार्डर ते असी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दूजी गल हैगी जिहड़े साडे किसान मजदूर लोगों दीआं भावनावां नूं देख के चाहे कमेटियां दा पुराना इतिहास कोई भी रहा होवे अज असी मीटिंग कीती आ जो साडा 13 फरवरी नूं स्टैंड सी अज भी उही स्टैंड आ जिहड़ियां साडियां मंगां सीगियां चाहे वह किसान दियां चाहे मजदूर दियां उन्हां नाल पूरी खुल के गल रखी गई आ और उस तो बाद कमेटी ने भी कहा असी कहा तुसी इहदी सिफारिश चंगे रूप च पॉजिटिव रूप दे विच जो पुरानियां कमेटियां ते किते ना किते चाहे कमीशन भी बने उहदा भी इतिहास तुहानू पता ही हैगा भी तुहाडे कोल भी मौका हैगा वा तुसी सुप्रीम कोर्ट नूं सिफारिश करो सरकार नाल साडी सेंटर सरकार नाल संबंधित मंगा हैगियां इस ते अज खुल के विचार कीती गई आ और असी अपना जिहड़ा स्टैंड आ ओह बरकरार आ मोर्चे साडे जिम्मे चलदे आ जब तक साडियां मंगा पूरियां नहीं होंदियां उदों तक साडे मोर्चे चलदे रहणगे कमेटी दा की कहणा कमेटी दा की कहणा सी कमेटी दा कहणा भी असी वध तों वध पॉजिटिव सोच रख के असी रिपोर्ट तैयार करांगे
ये जिन्नियां मंगां साडियां लैके आपां बैठे हाँ जिहड़ा 13 फरवरी तो वह कमेटी अगे रखियां ने। कमेटी ने यह जरूर कहा वा कि अहीं अपना बेस्ट जिहड़ा वा वह रिकमेंडेशन जिहड़ी आ वह देवांगे हर वर्ग वास्ते। मैं इत्थे कहना चाहुंदा कि जो भी उन्होंने ये गल कही आ कि आउण दी रिकॉर्ड किसानां मजदूरां और जो गरीब लोग पिंडां च रह रहे आ जिन्हां नूं इहनां दी जरूरत सब तो ज़्यादा वा सरकारी सहायता दी जां किसानों में MSP की जरूरत आ, वो सारी रिपोर्ट जी पॉजिटिव तरीके सुप्रीम कोर्ट में पेश करे। ये हम सुप्रीम कोर्ट के उपर आ कि वह सरकार से किन्ना प्रैशर पाँदी आ, वो साड़ियां मंगा किन्नी छेती मना, हूँ सारा उन्होंने मुड़। आपने संसद का सरदर्त शुरू होना उस दिन तो साढ़े सीनियर आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल मरनवरते बैठे और उस तो पहले जी सारी मीटिंग मूटिंग सारी रूपरेखा तैयार होगी, उन्होंने किन्ने आगू बैठे कि मतलब कि सिस्टम चलूगा उसे खनौरी बॉर्डर से जरा जगजीत सिंह डल्लेवाल जी संसद के सरदर्त सैशन से मरनवरते बैठ। हरियाणा के मुख्य सकत्र विवेक जोशी ने मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के नाल मुलाकात की। दस दिए कि अज ही उन्होंने अपना अहुदा संभालिया जिस तों बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के नाल मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने नवे नियुक्त मुख्य सकत्र उन्होंने सफल कार्यकाल लिए दिलों बधाइया और शुभकामनावां दित्तियां। उन्होंने भरोसा प्रगटाया कि टीम हरियाणा वजों असी सारे मिलकर सूबे के विकास के नवे पहलू स्थापित करांगे। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 984 सिख कतलेआम के मामले में पीड़ितों को सरकारी नौकरी देने के मामले में की गई कानूनी चाराजोई तो बाद दिल्ली के LG ने 984 सिख कतलेआम के पीड़ितों को नौकरी देने में ओवरएज और क्वालिफिकेशन के मामलों में रियायत दी है। LG ने नौकरी हासिल करने लोड़ी विद्यक योग्यता में छोट देंद घट्टो घट 8वीं जमात पास करने वाले नौकरी देने की हिदायत की है। कालका के कालों ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में LG के फैसले की शलाघा की। उन्होंने कहा कि इस 50 नौजवानों नौकरियां देने का राह पद्धरा होया ते अगे दीआं रहिंदीआं अर्जियां उत्ते भी बनदी कानूनी चाराजोई की जाएगी। अज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर पर 1984 के उन विक्टिम्स के बारे जिन्हां दी असी लड़ाई पिछले 40 सालों तो लड़ रहे हैं, जिथे उन्हां दी इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाती है, नाल ही उन्हां दे बच्चों नूं किसी ना किसी तरीके दे नाल शिक्षा मिल सके, किसी ना किसी तरीके दे नाल सरकारी नौकरियां मिल सकन, इहदी लड़ाई भी दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी बहुत लंबे सिरे तो लड़ रही सी। और मैनू अज खुशी हो रही है दसदे हुए, क्योंकि जद भी माड़ी जी राहत मिलती है, माड़ा जा भी कितने उन्हें बच्चों लिए कोई फायदा पहुँचता है, तो दिल में खुशी होंगी कि शायद साड़ी जिहड़ी आवाज़ है वो अगे तक होर भी वधेगी। तकरीबन पिछले समय के तकरीबन 437 फॉरम सरकार की नौकरियों वास्ते इन्हां परिवारों में जमा हुए सी, और ये जिहड़े फॉरम ने ये सारिया उन्हां दियां जिथे स्क्रूटनाइज करते हुए 72 नौकरियां सरकार ने जड़ियां देनियां कीतियां, और उदियां बाकियां दी जिहड़ी क्योंकि काफ़ी समा हो गया और जिहड़ी छानबीन चल रही है, मगर ये 72 तो ही नौकरियां लगन तो बाद भी 22 नौकरियां इत्थे तक मिल सकियां, 50 नौकरियां हले तक भी अलॉट नहीं हुई सी। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का डेलीगेशन बार बार जिहड़ा गृहमंत्री साहब नूं भी इहदे बारे गल कीती, और गृहमंत्री साहब ने LG साहब नूं भी टाइम लैके दिता और कहा कि जाके उन्हां नाल गल करो, क्योंकि यह प्रपोजल उन्हां कोल रुकी है। और जब दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का डेलीगेशन उत्थे जांदा है, LG साहब नूं सारियां गल्लां दसियां गईयां, इस दे उत्ते सुनिश्चित करान दी गल कीती कि इन्हां बच्चों का जिहड़ा हक है उन्हूं मिले। और सानूं खुशी है कि जिहड़ी LG साहब ने ये 84 दे दंगा पीड़ित बच्चों दे लई जिहड़ी नौकरियां सी उहदे विच जिहड़ा इजाफा लिया के दिता है कि उन्हां दी जिहड़ी क्वालिफिकेशन है वह सिर्फ 8वीं तक हो गई है। ये मैं समझदा कि दिल्ली दे इतिहास के पहली बार सरकार के इतिहास होएगा कि इन्नी लो क्वालिफिकेशन के नाल किसी नूं सरकारी नौकरी मिल सकती होए। इस स्पैशल जिहड़े सिखां दे इमोशनज उन्होंने सेंटीमेंट्स नूं देखते हुए और जिहड़ी नसलकुशी की गई सी उहदे बारे जिहड़ा उन्होंने दिलों के रोस है कि अज जिहड़ा 8वीं क्लास का बच्चा भी सरकारी नौकरी कर सकता है, जिहड़ा एज बार सी वह भी हटाता गया। और मैं समझदा कि हुण जिहड़े साडे बच्चे ने इन्हां नूं जिन्हां ने भी अप्लाई किया इन्हां नूं हुण सरकारियां कुर्सियां ते बैठणगे, इन्हां नूं सरकारियां नौकरियां मिलणगियां, और जिहड़े बच्चे क्योंकि
उन्हां हालातों चो निकले ने जिहड़े पढ़ाइया नहीं कर सकते सी अज उन्हां दा ये जिहड़ा क्वालिफिकेशन बाहर सी उन्हों भी सरकार ने जिहड़ा खारिज किया। सो मैं अज तुहाडे मीडिया राही एल जी साहब का और खास तौर पर देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का धन्यवाद करदा कि तुसी जिहड़ी भावनावां अज सिखां दी समझे हो इहदी बहुत वड्डी लोड़ सी और अगर ये पिछले 40 साल पहले तो अगर इहो जिहे कारज होए होंदे तो शायद अज वो जिहड़ी कलोनी है जिथे ज़्यादातर दंगा पीड़ित परिवार रहिंदे है अज उत्थे बहुत वड्डियां खुशहालियां होनियां सी मगर अज भी जिहड़ी राहत मिली है मैं उहदा सारे वल्लों कमेटी वल्लों उहनां सारिआं दा धन्नवाद करदा। 1984 दे जैनोसाइड तो बाद जदों सिखां दा पूरे देश भर दे विच बहुत सारे जगह दे उत्ते कतलेआम किया गया, घर उजाड़े गए, प्रॉपर्टियां जिहड़ियां ओह उजाड़ दित्तियां गईआं लुट लए गए। उस तो बाद एक पैकेज जिहड़ा सेंटर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जिथे कंपनसेशन सी ते कंपनसेशन दे नाल नाल नौकरियां देण दी गल कीती गई सी। ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 72 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 72 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 22 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਐਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਸਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ 72 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 22 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ 50 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਕਿ ਓਵਰ ਏਜ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਐਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰੀ। ਇਹ ਐਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। 22 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੀਆਂ, 50 ਹੁਣ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ DM ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ LG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ LG ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ 1984 ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਜੋ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ LG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਦਾ ਵੀ ਘਟਾਇਆ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ SDM ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਵੈਸਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 22 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ 50 ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ LG ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ LG ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ MTS ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ LG ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ
धन्यवाद करना चाहवांगा और केंद्र सरकार का कि उन्होंने बिल्कुल जीरो यानी कि अनपढ़ आदमी नूं भी और नौकरी देने वास्ते उन्होंने सारी कंडीशन एजुकेशन की वे ऑफ करती। नाल ही उन्होंने पंजाब दे विचों पांच लोगों की डैथ हो गई सी, उन्होंने परिवार को नौकरी देने का उन्होंने ऑर्डर किया है। तीसरी जड़ी गल हैगी है जेदे विच 12 लोग सीगे जेडे ओरेज हो गए सीगे, उन्होंने बच्चों उन्होंने जगह पर नौकरी लगाई जाएगी। एल जी साहब ने एक क्लीयर साफ फैसला कर दिता है। दसम पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजाद बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, माता गुजरी जी की लासानी शहादत नाल जुड़ी शहीदी सभा तो पहला गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब नूं जांदियां सड़कां की मुरम्मत करवाउण दे मकसद नाल हलका विधायक एडवोकेट लखवीर सिंह राय ने 65 लाख रुपए की लागत नाल तैयार होने वाली कालज रोड का काम शुरू करवाया। इस मौके बोलदिया हलका विधायक ने कहा कि 1.62 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ताँ जो देश विदेश तो आने वाले श्रद्धालुओं को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पवे। उन्होंने दस्सिया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार वालों गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब में जांदियां सड़कों की मुरम्मत वास्ते 1.62 करोड़ रुपए की प्रवानगी दी गई है और छेती ही यह काम जंगी पद्धर से शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने हलका श्री फतेहगढ़ साहब दी सड़कों की मुरम्मत लिए ग्रांट जारी करने मुख्यमंत्री का उचेचे तौर पर धन्यवाद किया है। लिंकन कॉलेज को जी सड़क का बहुत वही डिमांड थी, 62 लाख की तकरीबन यदि तैयार होने बन के तैयार होनी है और साडा सारा इलाके चाहता सी, असीं चाहते सी कि सिंह सभा तो पहला तैयार हो जाए, जो 1 महीने के बीच बन के तैयार हो जाऊगी। सेखों साहब साढ़े जो ठेकेदार साहब ने बड़े सियाने ने सुने हुए हैं, ये मन नाल काम करने हैं और असी उम्मीद है कि 1 महीने के बीच ये जी सड़क बना के लोगों को समर्पित करा। सिंह सभा आ रही है उस तो पहला हम तैयारियां चल पी कम जो उधरले पासे है रोजा शरीफ को भी 1-2 दिन असं काम स्टार्ट कर लगे हैं। जोड़े रिपेयर दे है वह भी मैं मानयोग सरदार भवन सिंह मान साहब 1.68 करोड़ रुपए का एक एसटीमेट बना के देखे तो उन्होंने कहता कि असं फटाफट थोड़ा पैसे दे रहे हैं। सो आस है कि सिंह सभा तो पहला जो सारे प्रबंध मुकम्मल कर ले जाएंगे, सड़क वधिया बना देंगे। दल खालसा वालों भारत की राजधानी दिल्ली और होरना शहरों में हुए 1984 के सिख कतलेआम की याद में समर्पित सैमीनार पंथक समागम फतेहगढ़ साहब विखे करवाया गया। इस मौके दल खालसा दे आगू भाई कमरपाल सिंह तो इलावा हरपाल सिंह चीमा, श्रोमणी कमेटी मैंबर करनैल सिंह पंजोली, परमजीत सिंह मंड, जसवीर सिंह खडूर, अमरीक सिंह गिसड़ू, रणवीर सिंह, गुरनाम सिंह, गुरप्रीत सिंह समेत वड्डी गिणती विच आगुआं ने शमूलियत कीती। नवंबर 1984 सिख कतलेआम नूं 40 वरे पूरे हो गए ने, जेड़े नसलकुशी की राजनीति दे भेंट चढ़े सी उन्हां निर्दोष विदोशे सिखां औरतां मर्दां बच्चियां बजुर्गां दी याद विच दल खालसा वालों ते स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन वालों फतेहगढ़ साहब माता गुजरी कॉलेज दे स्टूडेंट्स वालों गुरु घर दे विच अरदास कीती गई, उन्हां नूं चेते कीता गया, श्रद्धांजलि दित्ती गई। उस तो पहला अरदास तो पहला सैमीनार कीता गया, सैमीनार दा सिरलेख सी गैर न्यायिक कतलों की लगातारता अते 40 साल की गाथा। पिछले 40 सालों के विच पंजाब दिल्ली ते विदेशों विच जिदे च पाकिस्तान भी आउंदा, कैनेडा भी आउंदा, यूके ते अमेरिका, इन्हां दे विच टारगेट किलिंग सरकार वालों, स्टेट वालों, उन्हां दे करिंदियां वालों, उन्हां दी एजेंसीज वालों, ते हुण जिहड़ा एक नवां नाम जोड़िया गया कैनेडा ने जिहड़ा दस्सिया कि गैंगस्टर्स जिहड़े हायर कीते ने इन्हां वालों सिखां दी टारगेट किलिंग कॉन्टीन्यू है। पाकिस्तानी पंजाब दी कैबिनेट मंत्री मरियम औरंगजेब ने पाकिस्तानी पंजाब विच हवा प्रदूषण लई भारतीय पंजाब ते होर सूबियां नूं जिम्मेवार ठहराया है। उन्हें कहा कि अज सवेरे हवा तेज सी ते हवा प्रदूषण का रुख चंडीगढ़, हरियाणा, बठिंडा, गुरदासपुर, श्री गंगानगर, लुधियाना, जलंधर ते अमृतसर के सरहदी जिलों तो पाकिस्तान वाले पासे नूं हो गया। उन्हें अगे दस्सिया कि लाहौर में हवा रुकी हुई सी ते भारत वाले पासे तो हवा प्रदूषण आने कारण लाहौर में एयर क्वालिटी इंडैक्स 1173 हो गया। उन्हें अगे दस्सिया कि जल्द ही पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज वालों भारतीय पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस संबंधी पत्र लिखा जाएगा। दस दिए कि पाकिस्तानी पंजाब विच सरकार ने शहर में धुएं और हवा की गुणवत्ता बिगड़न कारण लाहौर में प्रायमरी स्कूलों एक हफ्ते लिए बंद करने का ऐलान किया। ARY न्यूज़ ने यह रिपोर्ट की है। पाकिस्तानी पंजाब के वातावरण विभाग वालों जारी नोटिफिकेशन मुताबिक 9 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे।
बीती दिवाली वाली रात नाभा तो आम आदमी पार्टी की कौंसलर रोजी नागपाल के पति दीपक नागपाल के वलों बंदूक और रिवालवर के हवाई फायर किए गए सन, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया उत्ते खूब वायरल हो रही है। भावें कि पंजाब पुलिस के वलों सोशल मीडिया उत्ते हवाई फायर करके वीडियो सोशल मीडिया से अपलोड करने की पाबंदी लगाई गई है, पर दीपक नागपाल वालों आप ही अपनी वीडियो अपने सोशल मीडिया के अकाउंट उत्ते अपलोड की गई। इस घटना तो बाद नाभा के DSP मनदीप कौर ने कहा कि इस संबंधी असी जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असला लाइसेंस भी वेरीफाई किया जा रहा है कि असला किसदा है, तो इस मुताबिक बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, मेरी सोशल मीडिया तो ही मैं पता लगा कि दिवाली वाले रात दिन फायरिंग हुई थी, तो वो असी वैपन्स तो उन्होंने जोड़े है अपना लाइसेंस वो दोनों असी थाने को बुला लिया, तो बाकी साड़ी जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये नाम के उपर किन्नी चलाए है। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने मनी लॉन्डरिंग के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गजनमाजरा की जमानत पटीशन मंजूर की है। हाई कोर्ट के जस्टिस महावीर सिंह ने सारिया धिर सुनने तो बाद पिछले हफ्ते इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा। अमरगढ़ तो आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गजनमाजरा पिछले दिन ED ने गिरफ्तार किया। गजनमाजरा उत्ते अपनी कंपनी तारा कारपोरेशन लिमिटेड राही बैंक के नाल 41 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के इल्जाम ने। इसे मामले में ED ने गजनमाजरा के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग के एक्ट तहत कार्रवाई की सी, जिस तो बाद उसनू ED ने गिरफ़्तार किया। इस तो बाद उसने मोहाली की जिला अदालत में जमानत पटीशन दायर की। मोहाली अदालत ने उसनू कोई राहत नहीं दी सी, जिस तो बाद उसने हाईकोर्ट का रुख किया। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों नवंबर 1984 के हजारों शहीद सिंघा सिंघणी को सच की कंध उत्ते मोमबत्तियां बाल के शरदा के फुल भेट किए गए। इस मौके हाजिर संगत को संबोधन करदिया कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका और जनरल सकत्र सरदार जगदीप सिंह कालों ने कहा कि 40 सालों तो सिख कौम इंसाफ की उड़ीक कर रही है। उन्होंने कहा कि जदों सज्जन कुमार से कुछ होर दोषियों सजावं मिली तो उस वेले साढ़े जख्मों उत्ते कुछ मलम लगी सी, पर हाले लंबी लड़ाई बाकी है। जगदीश टाइटलर से कमलनाथ वर्गे होर दोषियों सजावं मिलनिया बाकी ने। उन्हें कहा कि जदों तक 1984 सिख कतलेआम के सारे पीड़ितों को संपूर्ण इंसाफ नहीं मिल जाता, दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी इस लड़ाई में लड़ती रहेगी। देखो, हर साल इस सच की दीवार के उत्ते जिहड़ा ये मेमोरियल सी जिहड़ा सरकारां सानूं मनान नहीं दिंदियां सी, अलाउ नहीं करदी सी, ये भी कई जगह के उत्ते सरकारी असी जगहां भी लईआं, मगर आखिरकार सानूं इस ठीक पार्लीमेंट के सामने गुरद्वारा रघुनाथ साहब की परमिशन के विच जगह बनानी पई। इसी करके कि असी हर साल अपने उन्होंने वीरां नूं उन्होंने भैणां नूं उन्होंने बच्चों श्रद्धांजलि दे सकीए, जिन्हां नूं सड़कां दे उत्ते जिंदा जलाता गया, उन्होंने मारता गया, सिर्फ उन्हों का कसूर यह सी कि उन्होंने सिरां दे उत्ते पग हैगी सी। सो उन्होंने अज श्रद्धांजलि देन वास्ते दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, क्योंकि हर लड़ाई गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हमेशा बढ़ चढ़ के लड़ी है, चाहे इन्हों नौकरियां दवा दी पीड़ित परिवारों, चाहे उन्होंने मालकाना हक दी या उन्हों सजावं जिहड़ियां सज्जन कुमार वर्गे अंदर ने। मैं समझदा सिर्फ उसका कारण है कि अज कौम भी साढ़े ते विश्वास इस करके करते कि असी कौम की लड़ाई लड़ते। देखो, बहुत अफसोस की गल है कि अज सरदार हरजिंदर सिंह धामी जिहड़े श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के चौथी बार प्रधान बने हैं, ये नाल जिहड़ी जिस दीवार ते असी खड़े हैं, ये पिछली दीवार ते वो दफ्तर है अकाली दल का, इत्थे आ के वो न अपना सम्मान करा के इतों गए ने। मैं समझदा और उन्होंने फर्ज बनता सी कि अज असी जिहड़ी स्थान है जिथे श्रद्धांजलि जिथे सारे शहीदों के नाम लिखे ने उन्होंने एक मोमबत्ती जला के श्रद्धांजलि दे सकते सी, और इत्थे आ के तुसी आप अपने दफ्तर के सत्कार लवो और करण वाले जिहड़े बंदे ने, क्योंकि उन्होंने मानसिक स्थिति इहो जी है, उन्होंने हमेशा 84 नूं लोगों नूं भुलण वास्ते कहा, दोवें सरना भरावां एक खब्बे बैठा सी एक सज्जे बैठा सी, और सत्कार प्रधान का कारण यह नहीं कह सके कि दो कदम पिछे चल के असी उन्होंने श्रद्धांजलि दे लीए। सो धामी साहब नूं भी चाहिए सी कि इत्थे आना चाहिए, अगर नहीं उन्होंने समझ सी तो घट तो घट दिल्ली च रहने वाले इन्होंने बंदों नूं ते उन्होंने काम कराना चाहिए। आज हम 1984 के शहीद परिवार जो हैं यहाँ सच की दीवार पर आए हैं, और यहाँ पर सारे लोग पीड़ित परिवार बहुत सारे आए हैं यहाँ पर, हर साल की तरह आज हमने कैंडल जलाकर उनको शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, और सरकार से मांग भी की है कि हमारी जो पेंडिंग डिमांड है वो पूरा करें, और हमारे को जो हमारे कोर्ट में केस चल रहे हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएं और जो पेंडिंग केस हैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। 1984 दे समूह शहीद हुए परिवारों के जो दुख है जो दर्द है उसनों महसूस करते हुए
दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जो उन्हां शहीदां दी याद दे विच समारक बनाया गया गुरद्वारा रकाबगंज साहिब विखे सच की दीवार, अज इस सच की दीवार के उत्ते विशेष तौर के उत्ते उन्हां समूह शहीदां नूं श्रद्धांजलि देने दे लई प्रोग्राम रख्या गया। वो सारे परिवार जिन्हां दे घर दे विचों कोई ना कोई जी उस 1984 दे विच शहीद होया वो सारे ही अज इत्थे पहुँचे आ। जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे सन अज वो बुढ़े हो चुके हैं, जो उस समय जवान साड़ियां बीबियां भैणां सी अज वो बजुर्ग हो चुकियां हैं। 40 साल लंबा उन्होंने दर्द अपने सीने के उत्ते हंडाया। हर साल 1984 आउंदी आ चले जाती है, आउंदी आ चले जाती है, बड़ा लंबा समा निकल गया। लेकिन इन्हां परिवारां दी इन्हां पीड़ितां दी जो दर्द सी वो किसी ने नहीं समझिया। साड़ी टीम ने पिछले कुछ एक सालां तों असी जिथे लीगल तौर दे उत्ते जिहड़े दोषी सन उन्हां दोषियां नूं जेल दे पिछे भजाउण दा काम कीता, जिहड़े बाहर घूम रहे सन उन्हां दे उत्ते भी केस चला के वह भी हुण जाण दी जेल जाण दी तैयारी च है। लेकिन उस दे नाल नाल जिहड़े परिवार हन इन्हां दे परिवारां दे वैलफेयर, चाहे वह बच्चों की पढ़ाई का गल होवे, चाहे उन्हां बजुर्गों की मेडिकल ज उन्हां दे होर खर्चों के लिए एक पेनशन का प्रोविजन होए, ये दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों असी कीता है। और हर महीने इन्हां परिवारों नूं पेनशन भी दी जा रही है। जिहड़े कोविड दे विच इन्हां दे परिवारों दे विच जिहड़े जान गुआ गए सी उन्हां दे लई भी माली आर्थिक सहायता जिहड़ी दिल्ली कमेटी वालों दी जा रही है। और जिहड़े प्रोमिस किए सन सरकारां ने कि असी इन्हां बच्चों नूं नौकरियां देंगे, वो नौकरियां भी जिहड़ियां नहीं दित्तियां। दिल्ली कमेटी ने हाई कोर्ट दे विच लड़के केस लड़के वो जजमेंट भी लई, लेकिन उस तो बाद भी सरकार ने दिल्ली की सरकार ने कोई फैसला आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं लिया। लेकिन हुण LG साहब तो सानू वो भी जिहड़ी आ आश्वासन मिले कि बहुत जल्दी उन्होंने भी अपॉइंटमेंट लैटर जिहड़े आ इशू किए जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे से जिन्हां की क्वालिफिकेशन ही नहीं सी, वो भी LG साहब ने रिड्यूस कर दी है कि जेकर 8वीं पास है तो उन्होंने भी नौकरी दी जाएगी। सो मैं धन्यवाद भी करदा LG साहब का, धन्यवाद करदा मैं। 40 साल हो गए ने 1984 हुई नूं, अज दे ही दिन दिल्ली दी सड़कां दे उत्ते बड़े बेरहमी नाल सिखां दा और साडियां मावां भैणां दा कतल कीता गया सी। जिथे सिखां भरावां भैणां दा कतल कीता गया सी उत्थे ही मावां भैणां दी बेपत भी कीता गया सी, बड़ी बेरहमी दे नाल असीं उह मंजर वेख्या है। ये मैं गल करां कि सब तो ज़्यादा जिहड़ा सिखां दा कतलेआम होया सी उह 32 ब्लॉक तलोकपुरी दे विच होया सी। आ मेरी दोनों भैणां खड़ियां प्रेम कुमार और नानकी जी, तुसीं अज मैं कहांगा कि तुसीं इन्हां दा फेस जरूर दिखाओ कि ये उस टाइम विधवा होईयां सी और अज तक जिहड़ा है कि इस चीज़ का इंसाफ ही नहीं मिल पाया। लेकिन दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी साडे प्रधान साहब हरमीत सिंह कालका जी, जनरल सैकटरी जगदीप सिंह कालो जी, असी एक पूरा टीचा किया हुआ है कि जब तक सानू इहदा इंसाफ नहीं मिलेगा और जिन्हें भी 1984 के कातल से जिहड़े वड्डे वड्डे नाम से, सज्जन कुमार सलाखां के पिछे हैगा है, टाइटलर है, कमलनाथ है और होर भी जिन्हें दोषी है, जब तक उन्होंने सलाखां के पिछे भेज के और फांसी के तख्ते तक नहीं टांग देंगे तद तक असी चुप नहीं बैठांगे। जो हमारे सरदारों के साथ उन्होंने व्यवहार किया उस गवर्नमेंट को उनके साथ भी ऐसा ही करना चाहिए ना, फांसी देनी चाहिए उनको। तरलोकपुरी सा आनंद नगरी सी एना दे दसो साडे घर दे पति साडे मर गए सी आनंद नगरी, घरों से कढ कढ के मार के जाके सुट दिते रोड़ों के उत्ते, अग ला दी गड्डिया जड़िया ऐसिया स्कूटियां मोटरसाइकिल उन्होंने उत्ते सुट के अग ला दी। मैं उस टाइम सुल्तानपुर रहा सी, मैं 20 साल का सी, उत्थे जो वाकया होया ना खिच खिच के घरों कढ कढ के मार रहे सी, नाले दे उत्ते कई लाशां पई सी, मैं भी बड़ी मुश्किल नाल मोहना बन के मैनू मेरे गुआंढियों ने मोहना बन के मैनू कढ़िया सी, वो मैनू साथ बड़े देते, मुसलमान भी सी मद्रासी भी सी सारे सी, उत्थे सज्जन कुमार मीटिंगा कर रहा सी, पुलिस वाले उन्होंने नाल सी, उन्होंने नाल पुलिस वाले चल के कढ कढे मार रहे हैं, कहते तुसी अंदर चले जाओ, उन्होंने दंगियां नू कहते तुसी चले जाओ घर विच वड़ जाओ, तो घरों तो कट कट के सानू मारिया सी। कहाँ मिलेगा इंसाफ हमारे को, 40 साल हो गए हुण इंतजार करते करते असी भी बुढ़े हो गए, मावां तो साड़ी बुढ़िया हो ही गया, असी भी बुढ़े हो गए, इंतजार करते करते सानू इंसाफ कदों मिलेगा, असी भी मर जाएंगे रो पिट के, एक घर के 10-10 जी गए घरों बेघर हो गए, अब तक असी रोड पर बैठे हाँ,
अज तक असं सैट नहीं हो पाए हैं की करिए किनू कहीए सानू तो कोई पूछण वाला है नहीं ना साढ़े कोई दुख सुख का साथी हैगा ना कोई सानू पुछता हैगा असं रोइए मुँह धोइए बस कुल मिला के असं टाइम टपा रहे हैं। सज्जन कुमार जेल के अंदर बंद है, वहीं जगदीश टाइगर की बात करें गवाही चल रही है, लगता है कि जख्मों पर मलहम लगा है आपके। क्या जख्मों पर नमक लगेगा, हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ, घरों से बेघर हो गए, बहन बेटियों की इज्जतें लूटे गई, जवान जिनके माओं के लाल चले गए उनसे पूछ के देखो क्या बीत रही है उनके ऊपर। सानू कुछ नहीं मलम लगी है साढ़े थे और भी दिल थे जख्म जड़े है गए हरे हो जान देने जो नंबर का महीना आंदा है। सानू तो यह लगता है साढ़े नाल होने ही होया है सब कुछ। दे हमें इंसाफ, दे इंसाफ, गवर्नमेंट नहीं दे रही है, ये गवर्नमेंट अंधी बेरी हो गई है, आज तक हमें इंसाफ नहीं है। जाते कोर्ट तो हमें देते तो तरीक पे तरीक, तरीक के सिवा और कुछ नहीं देते, अंधी बेरी सरकार है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब के पर विश्वास है, हमें वही इंसाफ दिला सकता है। जैसे जग उसको काणे भगत को कीड़े पड़े थे ना, हम चाहते इसको भी अगर गवर्नमेंट इंसाफ नहीं दे तो इसको ही कीड़े पड़े और ऐसे ही तड़फता मरे, यही चाहते हैं। अब ये कहीं एक मर्डर होता है तो हजारों पुलिस आ जाती है, हजारों तरफ फोर्स आ जाती है, हमारे सिखों के लिए तो कोई पुलिस नहीं आई। हमारे सिखों के बलकम हथियार ले लिए उन्होंने, पहली गार्ड तो जब लड़ाई शुरू हुई थी आमने सामने चार पांच घंटे मुकाबला किया सिखों ने हिंदुओं के साथ, फिर जब पुलिस आई उन्होंने कहा अपने अपने घर में चले जाओ, सामान हथियार ले लिए सरदारों से, फिर हाथे खाली, फिर बेचारों में वाइट पाउडर भी दे दिया, पेट्रोल भी दे दिया, आके बम्बुड़े भी दे दिए, बच्चे उधर सरदार मारे जा रहे हैं, उधर जनानियों को ले जा रहे हैं, बहन बेटियों को ले जा रहे हैं। हमारे साथ क्या थोड़ा किया है, बहुत ज़्यादा किया। हमें कहते 84 भूल जाओ, हम कैसे भूलेंगे 84, हम तो मरने मिटने के लिए तैयार हैं। हम कोर्टों में जो जाते हैं हम इस वक्त गोली के निशाने हैं, हम फिर भी हम डरते नहीं हैं कि हमारे को सरकार इंसाफ दे, हम अपनी 84 की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमारे अंदर सांसें हैं। केस नहीं लगा होना, 40 साल बीत गए और अज भी इंसाफ नूं लोकी तड़फ रहे आ। साडे केस की गल होर सी, असी पूरे प्रूफ दिते जो साडे को रिटन सीगे, पूरी दौड़ भज की, वो अज वो अंदर है, उन्हें कोशिश पूरी की है, वो सिर्फ एक डट के गवाही देने दे नाल ते दूसरी केंद्र दे सरकार चेंज होने दे नाल जुडिशली फ्री हुई ते उन्हें सज़ा हुई, ते कांग्रेस सरकार होंदी फिर सज़ा नहीं सी। जलंधर के खेंगरा गेट से हुई गोलीबारी के मामले में मुख्य दोषी मनु कपूर नू थाना 3 की पुलिस वालों कथित तौर पर VIP ट्रीटमेंट देने के मामले में मृतक रिशभ के दोस्तों ने जदों थाने जाके हंगामा किया तो थाना 3 के पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर उन्हें कुटमार की लॉकअप में बंद करके थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट किया, जिस तो बाद पीड़ित धिर ने सड़क उत्ते रोस धरना दिता, जिस दौरान उन्होंने संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बनती कार्रवाई की मांग की है। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं जाने दे नज़र मारद मौसम के हाल से, तुसी बने रहो चढ़ती कला टाइम टीवी के नाल, धन्यवाद। For all your immigration family law needs, call or scan QR code to contact us. Rodis Inc. Million Miles with Smile or scan QR code to contact us. Flangbird Truck Repair, trust we build in truck repair or scan QR code to contact us. The Masala Twist Oxnard Fine Authentic Indian Cuisine or scan QR code to contact us. Pizza Twist Taste with Twist, order today, call or visit website or scan QR code to contact us. New India Market or scan QR code to contact us. Taba Indian Cuisine, Tracy Fine Authentic Indian Cuisine in Tracy or scan QR code to contact us. Bila Market, scan QR code to contact us. Simi Valley Family Dental Office or scan QR code to contact us. Samra produce largest variety of Indian vegetables and fruits in the USA. Scan this QR code to contact us.
Mountain Mike Pizza, scan this QR code to contact us. Appa Kadahi, made and served with love. Scan this QR code to contact us. Krishan Kumar Covered, California, certified agency manager who can help you, your family and your small business with health insurance. Call at 1-877-830-3270 or scan QR code to call or text.